भारी बरसात के विषय में आइए जानते हैं क्या है कहना उल्लासनगर महानगर पालिका के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर युवराज बदाने का। बदाने सर, या उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा एक प्रसिद्धि पत्रक जाहिर हुआ है 7 जून से लेकर 11 जून तक जो भारी बारिश होने वाली है, इस विषय पर तो क्या है ये पूरा विषय और किस प्रकार से आप लोगों को संदेश देना चाहोगे? देखिए, वो प्रसिद्धि पत्रक है, मेरे ही साइन का है। माननीय आयुक्त महोदय जी के निर्देश और महाराष्ट्र शासन जो हवामान विभाग है उनकी तरफ से हमें जो सूचना और निर्देश मिले हैं उसके तहत जो भी भारी बारिश होने की, उसके अंदर तूफान होने की जो संभावना उसमें जताई गई है, उसके तहत एक सावधानते का जो इशारा है, वार्निंग है या चेतावनी वो दी गई है। तो जहाँ जहाँ समझो कुछ लोग नाले किनारे या नदी है उसके किनारे और जो अपने जो पानी जहाँ पे रुकता है ज़्यादा भारी मात्रा में बारिश होने से, ऐसे जगह पे जिसके मकान है उन लोगों के लिए सावधानते का चेतावनी है, इशारा है, वो दिया गया है। और उनके लिए जनता की तरफ से भी एक सहयोग चाहिए और सजगता जिसको बोलते हैं, जागरूकता, वो सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए। अगर ऐसी घटना होती है उल्लासनगर शहर में तो उल्लासनगर महानगर पालिका की किस प्रकार से तैयारी है इस विषय पर? उल्लासनगर महानगर पालिका ने ऐसा यदि कुछ समझो ज़्यादा मात्रा में भारी पैमाने में बारिश हुई तो हमारे स्कूल्स है और कुछ धर्मशाला है उसके अंदर वहाँ को उन जो लोग हैं अफेक्टेड लोग जनता उनको ट्रांसफ़र करने की या स्थलांतरित करने की हम लोगों ने तैयारी करके रखी है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।